पटना से बड़ी खबर, बागेश्वर बाबा की गाड़ी का चालान कटा। एयरपोर्ट से होटल जाते समय नहीं लगाया था सीट बेल्ट। ड्राइविंग सीट पर बैठे थे सांसद मनोज तिवारी, ड्राइवर सीट के बगल में बैठे थे बाबा बागेश्वर। ये बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आपको बता रहे हैं। बागेश्वर बाबा की गाड़ी का चालान कटा है। दरअसल एयरपोर्ट से होटल जाते समय उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। ड्राइविंग सीट पर सांसद मनोज तिवारी बैठे थे और ड्राइवर सीट के बगल में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठे थे, जिनका ये चालान हुआ है। चूंकि सीट बेल्ट उन्होंने नहीं लगाया था, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया गया था, इस वजह से बाबा बागेश्वर की गाड़ी का चालान कटा है। दरअसल एयरपोर्ट से होटल जाते समय उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर आप देख पा रहे होंगे सांसद मनोज तिवारी बैठे हुए हैं और उनके बगल में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हैं, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है और इसी वजह से उनकी गाड़ी का चालान हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें बाबा बागेश्वर और मनोज तिवारी को आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में, जहां ड्राइविंग सीट पर आप मनोज तिवारी को देख पा रहे होंगे और उनके बगल में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हुए हैं, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है और यही वजह है कि उनकी गाड़ी का चालान हुआ है। यह बड़ी खबर, बागेश्वर बाबा की गाड़ी का चालान हुआ है। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सनी जुड़ गए हैं पटना से लाइव। सनी, देखिए बागेश्वर बाबा की गाड़ी का चालान हुआ है, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सीट बेल्ट उन्होंने नहीं लगाया है, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया गया है। जी देखिए, बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने के साथ ही पटना की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा गई थी और अब यातायात नियमों में जो तोड़ी गई है यातायात नियमों को और खास तौर पर सीट बेल्ट सहित अन्य मामलों को लेकर 1000 के जुर्माने की बात सामने आ रही है। दरअसल सीट बेल्ट बाबा ने नहीं लगाया था और मनोज तिवारी जो सांसद है, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, मध्य प्रदेश नंबर की ये गाड़ी थी और बताया जाता है कि बाबा के साथ ही ये गाड़ी मध्य प्रदेश से बाबा के पहले ही यहाँ पे लाई गई थी और बाबा तो चार्टर प्लेन से फिर से एक बार चले गए लेकिन वो गाड़ी बाद में गई है। हालांकि इस मामले को लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, ट्रैफिक नियमों में अनियमितता की वजह से बाबा पर चालान किया गया है, उस गाड़ी पर चालान किया गया है। देखना होगा कि इसको लेकर और क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें 1000 के चालान की बात सामने आई है। हाँ बिल्कुल सनी, देखिए लोगों में एक आस्था बाबा को लेकर जिस तरीके से थी और फैन फॉलोइंग और क्रेज अगर आप कह ले बाबा को लेकर बिहार की जनता में, वो तो साफ तौर पर देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है कि बाबा खुद ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है, चूँकि लोग उन्हें देख रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जी जी, देखिए एक आस्था का विषय अलग है लेकिन नियम कानून जो है देश के अंदर, चाहे किसी भी विभाग की बात करें, ट्रैफिक विभाग की ही बात कर ले या होटल में जिस तरीके से बाबा गए, तो कहीं ना कहीं इसके हिसाब से तो अब तो कार्रवाई होनी है। दरअसल जो कानून है वो अलग काम करती है, संविधान है वो अलग काम करती है और वही दूसरी तरफ लोगों की आस्था है वो बाबा के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जो बड़े स्तर पर बाबा के फैन फॉलोअर हैं तो बाबा को इन तमाम चीज़ों की भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि उनके इतने फैन फॉलोइंग हैं, अगर वो इस तरह की गलती करते हैं तो हो सकता है उनके फैंस जो हैं वो भी इस तरीके की गलती करें। लेकिन कहीं ना कहीं अब संविधान, माफ कीजिएगा, कानून के तहत बाबा पर जो जुर्माना लगाया गया है तो वो जुर्माना भी वसूला जाएगा और प्रशासन की तरफ से लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि जितनी ज़्यादा संख्या में भीड़ की बात कही जा रही थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लगातार सोशल मीडिया पर बाबा की इन तस्वीरों को लोग वायरल कर रहे हैं अब और सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी उन सवालों का जवाब दिया गया है कि आम हो या खास हो, अगर गलती करेगा तो कहीं ना कहीं कानून के तहत उन पर कार्रवाई होगी, जुर्माना उन पर लगेगा। ठीक है सनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।